भारतीय उद्योग जगत का भीष्म पितामह नहीं रहा। छियासी साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो बिल्कुल आखिरी दिनों तक चैतन्य और सजग थे, बल्कि दो दिन पहले ही उन्होंने अपनी सेहत को लेकर चल रही खबरों को गलत बताया था। वो एक भरा पूरा जीवन जी कर गए। एक औद्योगिक साम्राज्य को उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सरहदों तक फैलाया। उन्हें जेआरडी टाटा ने गोद लिया था और इस विरासत की उन्होंने न सिर्फ रक्षा की बल्कि उसे इतना मजबूत बनाया कि जेआरडी टाटा भी इस पर नाज करते। 1990 से 2012 तक वो टाटा समूह के चेयरमैन रहे। इन 21 सालों में टाटा समूह की कमाई 40 गुना बढ़ गई और मुनाफा 50 गुना बढ़ गया। रतन टाटा के गरिमामय जीवन को लेकर कई तरह की कहानियां चलती रहीं। एक कहानी ये चलती थी कि वो अपनी संस्था के एक एक शख्स को निजी तौर पर पहचानते थे। उनकी छाया में टाटा समूह एक उदार और मानवीय समूह के रूप में विकसित होता रहा। टाटा की चैरिटी विंग टाटा फाउंडेशन से वो आखिर तक जुड़े रहे और सामाजिक क्षेत्रों में टाटा का काम अतुलनीय रहा। लेकिन कारोबार को लेकर एक आक्रामक और अभिनव रणनीति उनके स्वभाव का हिस्सा रही। उनके रहते हुए टाटा समूह एक राष्ट्रीय उद्योग घराने से आगे बढ़कर एक ग्लोबल कॉर्पोरेट हाउस में बदला। उन्होंने कई विदेशी ब्रांड्स पर टाटा की मोहर लगवाई और कई नए काम किए। टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर को खरीदा तो ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक बड़ी छलांग थी। उसके पहले टाटा टी ने टेटली का अधिग्रहण किया। टाटा स्टील ने कोरस को खरीद लिया। इन सब का नतीजा ये रहा कि टाटा समूह का 65% कारोबार ग्लोबल ऑपरेशन और बिक्री से आता रहा। टाटा समूह गुरूर के साथ कहता रहा कि वो नमक से लेकर हवाई जहाज तक के कारोबार में है। एयर इंडिया भी लौटकर टाटा समूह के पास आ गई, लेकिन रतन टाटा के जहन में आम लोग हमेशा बने रहे। जब दुनिया बड़ी गाड़ियों की दौड़ में है, तब उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का बीड़ा उठाया ताकि हर कोई कार खरीद सके। हालांकि उनकी ये परियोजना बंगाल में राजनीतिक विवादों की शिकार हुई और इसे सानंद ले जाना पड़ा। अंतिम वर्षों में टाटा समूह की चेयरमैनशिप को लेकर साइरस मिस्त्री से चला विवाद वो अप्रिय प्रसंग था जिसे वो भूलना चाहेंगे। लेकिन रतन टाटा और टाटा समूह अपनी सामाजिक भूमिका के लिए ज्यादा याद रखे जाएंगे। टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट भारत के सबसे पुराने और अहम कैंसर संस्थानों में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जैसी संस्थाओं का योगदान किसी से छुपा नहीं है। कहना न होगा कि टाटा समूह का वृक्ष इतना छतनार हो सका तो इसलिए कि उसे कई दमदार माली मिले, जिनमें रतन टाटा भी एक रहे। उन्होंने 86 बरस अपने समूह और अपने देश को दिए और उनकी एक एक सांस बेशकीमती रही। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे कई सम्मान मिले, लेकिन उनकी शख्सियत इन सम्मानों से कहीं ज्यादा बड़ी लगती रही।